नमस्कार दोस्तों, आज के ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग, डेमो और प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे महाराजा व्हाइट लाइन जॉय टर्बो मिक्सर ग्राइंडर का। महाराजा व्हाइट लाइन जॉय टर्बो मिक्सर ग्राइंडर 750 वाट की पावरफुल मोटर के साथ में है। तीन जार्स हैं इसके अंदर, जो तीनों स्टेनलेस स्टील के जार्स हैं। साथ ही साथ इसकी मोटर के ऊपर 5 ईयर्स की वारंटी आती है, जो कि काफी अच्छा टाइम है। तो ये है इसका साइड व्यू। साइड व्यू की अगर हम बात करें, इस प्रोडक्ट का MRP 5099 है, लेकिन मार्केट में आराम से ये प्रोडक्ट हमें 3200 से 3500 रुपए तक मिल जाएगा। साथ ही साथ महाराजा व्हाइट लाइन हमें एक महाराजा सर्विस एप्लीकेशन भी देता है। अगर किसी भी आपके महाराजा व्हाइट लाइन के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप इसकी एक सर्विस ऐप है, स्मार्टफोन पे डाउनलोड कीजिए, आप उसमें कंप्लेन लोग करवाइए, तो आपको किसी को भी कॉल करने की या अपने डीलर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे आप इसमें कंप्लेन नोट करवा सकते हैं अपने सर्विस ऐप पे। साथ साथ इसके कस्टमर केयर के नंबर भी लिखे हुए हैं। तो ये था महाराजा व्हाइट लाइन जॉय टर्बो मिक्सर ग्राइंडर का बॉक्स। और अब हम ये है हमारी मेन यूनिट को देखते हैं। जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो है इसका लुक और डिजाइन। ब्लैक और प्रीमियम सिल्वर कलर के अंदर इसका लुक काफी अट्रैक्टिव है। शेप इसका काफी कॉम्पैक्ट है, तो जगह भी कम से कम घेरता है। साथ ही साथ तीन जार आते हैं इसके साथ में, और इसकी जो बॉडी है वो काफी हार्ड क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी हुई लग रही है। काफी मजबूत है इसका बॉडी, और साथ ही साथ इसके साथ में आती है इसकी नॉब, वो आती है पल्स फंक्शन के साथ, उसमें वीप बटन भी दिया हुआ है। नीचे की तरफ 4 वैक्यूम्स दिए हुए हैं, जब भी मोटर चलेगी तो बॉडी के अंदर वाइब्रेशन कम से कम होगा। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है एक मोटर ओवरलोड प्रोटेक्टर। अगर आप मोटर में कभी भी ओवरलोड देते हैं, या अपनी मोटर को अगर आप ज्यादा लोड दे देते हैं, तो मोटर अपने आप कट ऑफ हो जाएगी। वैसे मोटर के ऊपर 5 ईयर वारंटी है, लेकिन फिर भी ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन दिया हुआ है, जिससे इसकी प्रोडक्ट की लाइफ और बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं तीनों जार्स की। पहला जार है लिक्विडाइजिंग जार। लिक्विडाइजिंग जार की कैपेसिटी 1.5 लीटर है। इसका बॉडी स्टेनलेस स्टील से बना है, पॉलीकार्बोनेट का लिड दिया हुआ है जो सी थ्रू है। जो भी अंदर आप लिक्विडाइजिंग, ब्लेंडिंग या प्योरिंग कर रहे हैं वो आपको नजर आएगा। इसकी कैप के अंदर एक और छोटा सा कैप दिया हुआ है, जिससे अगर आपको कोई भी चीज, इंग्रेडिएंट्स लास्ट में या आपको डालने हैं या उसको हिलाना हो, तो आप इस छोटी सी कैप को हटा के भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका लिक्विडाइजिंग जार। लिक्विडाइजिंग जार की ब्लेड स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, और काफी बड़ा साइज का जार है। ग्रिप काफी स्ट्रांग है इसका, हैंडल काफी स्टर्डी है, तो इसका जो स्टील है वो भी काफी वजन में अच्छा लग रहा है, हैवी लग रहा है। तो ये हो गया इसका। दूसरा जार है ड्राई ग्राइंडर जार। ड्राई ग्राइंडर जार में आप जितना भी सूखा मसाला या जो भी आप सूखी चीज पीसना चाहेंगे वो इसी के अंदर करनी पड़ेगी। इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। इसमें ये फ्लो ब्रेकर्स भी दिए हुए हैं, जब भी आप इसमें कुछ आप ग्राइंडिंग करेंगे तो वो चीज उसी को ब्लेड की तरफ धकेलेगी, तो ग्राइंडिंग और इफेक्टिव बन जाती है और फास्टर हो जाती है। ये फ्लो ब्रेकर बोलते हैं इनको, और 1 लीटर की कैपेसिटी है। इसमें भी हैंडल दिया हुआ है, स्टील की क्वालिटी काफी अच्छी है, स्टर्डी है, काफी मजबूत स्टील लग रहा है, हल्का स्टील नहीं है। तो ये हो गया इसका ड्राई ग्राइंडर जार। इसके साथ में पीपी का लिड आता है, प्लास्टिक का लिड आता है। तीसरा जार है चटनी जार। चटनी जार की कैपेसिटी 400 ml की होती है, जो अपनी कैटेगरी में काफी अच्छी है। ब्लेड 100% स्टेनलेस स्टील से बनी है। साथ ही साथ इसका आउटर शेल, आउटर जो बॉडी है वो भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, और इसके अंदर हैंडल नहीं है। तो ये हो गया लिक्विडाइजिंग जार। किसी भी मिक्सर का सबसे जरूरी पार्ट होता है उसकी मोटर। जॉय टर्बो मिक्सर ग्राइंडर की मोटर 750 वाट की पावरफुल मोटर है, और इसके जो मोटर के RPM है राउंड पर मिनट, वो 17,000 से 20,000 RPM है। इसकी रेटिंग 30 मिनट्स की है, आप कंटिन्यू से 30 मिनट्स तक चला सकते हैं। साथ ही साथ जॉय टर्बो मिक्सर ग्राइंडर इतना पावरफुल है कि आप इसमें ब्लेंडिंग, लिक्विडाइजिंग, प्योरिंग, ड्राई ग्राइंडिंग, चटनी, सब कुछ आप इसमें इजीली कर सकते हैं। अगर आप साबुत मसाला जैसे हल्दी अगर आप पीसना चाहें, तो वो भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। हम एक सलाह भी देना चाहेंगे कि जब भी आप किसी कोई आप टफ या हार्ड मसाला जब भी आप किसी मिक्सर ग्राइंडर में पीसें, तो सबसे पहले कुछ देर आप उसे वीप बटन पर चलाएं, और फिर आप उसे दूसरी या तीसरी स्पीड पर चलाएं, तो इस प्रोडक्ट की लाइफ और इसके कपलर्स की लाइफ अच्छी बनी रहेगी। और मोटर इसकी काफी पावरफुल है, प्रोडक्ट काफी दिखने में अच्छा है, ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी और फिनिशिंग काफी अच्छी है। इस प्रोडक्ट की जो स्पेयर जो जार है उनकी कैपेसिटी बहुत शानदार है, स्टील भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छा हैवी स्टील लग रहा है। साथ ही साथ प्राइस की अगर हम बात करें, तो दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें, तो अगर हम लोकल कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन बड़ी ब्रांड्स की प्राइस भी लगभग यही है। हमें इसमें वारंटी भी 5 ईयर्स की मिल रही है, जो काफी अच्छी बात है। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बिलीव करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बना है। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 हमारा जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।